सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान का भौकाल जारी है, बहुत खतरनाक। कल तक जो ईरान के समर्थक नहीं थे वो भी अब ईरान के मिजाज से इतना इम्प्रेस हो गए हैं कि अब ईरान की तरफ उनका झुकाव है। सऊदी अरब के लहजे में नरमी है और ईरान की ताकत का पूरी दुनिया में बोलबाला हो गया है। कल तक तुर्की को कोई नहीं समझ रहा था और तुर्की की ताकत को कोई जान नहीं रहा था, लेकिन जब आर्मीनिया अजरबैजान की जंग में अजरबैजान को अपना बैरेक्टर ड्रोन दिया तुर्की ने, उसने जो आर्मीनिया में तबाही मचाई और आर्मीनिया को घुटने पर सिर्फ एक ड्रोन के ज़रिए अजरबैजान ले आया, उसके बाद आज तक उस तुर्की के बैरेक्टर TB2 ड्रोन और बैरेक्टर का पहला वाला वर्जन अभी तक डिमांड में है। तुर्की के हालात ही पलट गए और फौरन हथियारों की इंडस्ट्री में खुल कर आ गया और तुर्की की जो करेंसी लीरा एकदम ज़मीन पर जा रही थी आसमान पर आ गई। ठीक इसी तरह से अमेरिका इज़राइल अब ईरान की ताकत से डर ही रहे थे, लेकिन लोगों को ये फर्जीवाड़ा लग रहा था कि बिना बात के डर रहे हैं, पता नहीं ईरान के पास कौन सी ताकत है। आपको बताऊं ईरान की ताकत क्या है। रूस और यूक्रेन की जंग में ईरान के ड्रोन्स के जरिए रशिया ने 6 से 7 दिनों के अंदर पूरे यूक्रेन को हिला कर रख दिया और ऐसा हिला कर रख दिया कि ईरान के जो शहीद केमिकाजे ड्रोन हैं और दूसरा जो ड्रोन जो यूक्रेन में तबाही मचा रहा है जिस ड्रोन का नाम मुजाहिद है, इस सिर्फ 2 ड्रोन ने, तीसरा कोई ड्रोन नहीं है, सिर्फ 2 ड्रोन ने यूक्रेन में ऐसा खेल खेला कि आपको बताऊं ईरान के कमांडर आपकी स्क्रीन पर, इन कमांडर का नाम जनरल सफवी है। इन्होंने बताया है कि 22 देश, अब आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट, 22 देश हमसे ड्रोन खरीदना चाहते हैं। अब सुनिए रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहला देश कौन है जो ईरान से ड्रोन खरीदना चाहता है। सबसे पहले आर्मीनिया है, हाँ ताजिकिस्तान है, सर्बिया है, अल्जीरिया है, वेनेजुएला है और भी इसके अलावा दर्जनों देश हैं, ऐसा ईरान के टॉप जनरल ने बताया है, जिसकी वजह से एक बार फिर ईरान डिमांड में आ गया है। जो कल तक ईरान से सीधे मुंह बात नहीं करते थे वो ईरान को अब पुचकार रहे हैं और अपना साथी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ईरान के ड्रोन की खासियत ये है कि ये काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी हल्के हैं और मेन बात सबसे ख़तरनाक हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल की ताकत से यूं ही अमेरिका इज़राइल नहीं डरते थे, आज ट्रेलर दुनिया ने देख लिया है। अब इसी मिडिल ईस्ट में आपको रशिया और यूक्रेन के एक छोटा सा अपडेट दे देता हूं, क्योंकि ईरान की बात बता रहा हूं आपको। यूक्रेन ने कहा है कि जिस प्रकार से ईरान से हथियार रशिया ले रहा है, इस बात से ये साबित हुआ कि रशिया पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, उसके पास अब हथियार नहीं बचे। वहीं आपको बता दूं कि बात ईरान की रोई है तो यूक्रेन ने ईरानी ड्रोन के बारे में जानकारी दी है कि सिर्फ सितंबर के महीने में ही उसने 223 ईरानी ड्रोन को मार के भी गिरा दिया है। चलिए मैं मानता हूं कि 223 या 280 या 300 ड्रोन तुमने ईरान के 80% ड्रोन मारकर गिरा दिए हैं, लेकिन ईरान के जो 20% ड्रोन हैं उन 20% ड्रोन्स ने यूक्रेन का, यूक्रेन की राजधानी का हाल क्या किया है वो दुनिया देख रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि ईरान का भौकाल है। मुझे मालूम है कि आपको फील आ रहा होगा कि अरे आज मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में यूक्रेन और रशिया का अपडेट मिल रहा है, तो यही तो मज़ा है। इसीलिए कहते हैं कोई रिपोर्ट छोड़ा मत करिए। अब सुनिए अमेरिका और यूक्रेन UN में ईरान के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन का कहना यह है कि ईरान के ड्रोन जो केमिकाजे शहीद ड्रोन हैं और मुजाहिद ड्रोन हैं, इन दोनों ड्रोनों की रेंज 250 से 300 350 किलोमीटर हैं और रशिया इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल करके हमारी दुर्गति बना रहा है। दोस्तों अर्जेंटीना में 1994 में यहूदी दफ्तर में अटैक हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 85-86 लोग मारे गए थे, जिसमें यहूदी और अर्जेंटीना के आम नागरिक भी शामिल थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे 1994 में। तो
तो आज अर्जेंटीना की सरकार ने कतर की सरकार से ये गुजारिश की है, कहा है कतर की सरकार से कि ये ईरान और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला 1994 में किया था। तो आप ईरानी उन ऑफिशियल्स को और हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं को जुड़े हुए फाइटर्स को गिरफ्तार करें। वहीं आपको बताऊं, अर्जेंटीना गुलाम है अमेरिका का, अमेरिका के इशारे पर ताता थैया करता है। इसी अर्जेंटीना को कुछ महीने पहले अमेरिका ने कह दिया था कि आपके मुल्क में जो ईरानियन पायलट क्रू मेंबर जो पहुंचे हैं उनको गिरफ्तार कर लो, डिटेन कर लो। तो आपको बता दूं कि जून से गिरफ्तार किया हुआ था अर्जेंटीना ने अमेरिका के कहने पर। अब हाल में ही आपकी स्क्रीन पर देखिए, अर्जेंटीना ने उन ईरानी क्रू मेंबर्स को अब जाकर रिलीज किया है। वहीं आपको बता दूं कि पहली बार सऊदी अरब ने बिना किसी प्रेशर के फिलिस्तीन के हक में एक बात बोल दी है। ऑस्ट्रेलिया ने जो बड़ा कदम इसराइल के ख़िलाफ़ लिया और इसराइल जो अपनी राजधानी जेरूशलम को बताता है उस मान्यता को ख़त्म कर दिया, तो फिलिस्तीन ने तो इसका स्वागत किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सऊदी अरब सामने आया है, सऊदी अरब ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये बिल्कुल सही फैसला है, बल्कि सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया को नहीं और भी देशों को सामने आना चाहिए। और जेरूशलम को इसराइल राजधानी मना करते हुए तेल अवीव को राजधानी घोषित करना चाहिए और जेरूशलम को फिलिस्तीन को देना चाहिए और टू स्टेट सॉल्यूशन का हल तुरंत करना चाहिए। वहीं आपको बताऊं, तुर्की के इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने इसराइल की मिनिस्टर से तुर्की की राजधानी अंकारा में ही मुलाकात करी है। इसीलिए समझ लीजिए क्यों तुर्की के हलक में गू फंसा हुआ है, क्यों इसराइल के खिलाफ नहीं बोल पा रहा है तुर्की। समझ में आई बात? सऊदी अरब बोल रहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन ज़रूरी है, ऑस्ट्रेलिया ने सही कदम उठाया, लेकिन कमाल की बात है रजब तैयब एर्दोगान। दोस्तों आजकल तो सऊदी अरब कमाल कर रहा है भाई, आई लव सऊदी अरब फॉर दिस टाइम ओनली Because I don't know आगे की कहानी क्या बैठे, ये ऊँट किस बल बैठे। सऊदी अरब पर भरोसा तो नहीं कर रहे हम, लेकिन फ़िलहाल जो वो फैसले ले रहा है, देखिए कहा जाता है कि दुश्मन भी अगर हक बात कहे तो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए। सऊदी अरब ने सन 2019 में कई लोगों को उठाकर जेल में ठूस दिया था, ये कहते हुए कि ये लोग हमास के ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। उनमें हमास के लोग भी थे जो सऊदी अरब में थे और अरब के भी कुछ लोग थे। अब आपको बताऊं, उन 60 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा कर्ता धरता था, जिसको बताया गया था मास्टरमाइंड, जिनका नाम मोहम्मद अल खुदाई है, आपको बताऊं ये डायरेक्ट हमास से जुड़े हुए थे, इसके सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने उन हमास के लड़ाके को रिहा कर दिया है। आज अमेरिका और इसराइल बिदक जाएंगे। और जैसे मैंने कल मिली रिस में आपको बताया था कि हमास और सीरिया की सरकार पहली बार मुलाकात कर सकती है और ये ऐतिहासिक फैसला होगा, और इसराइल को जिससे बावासीर की बीमारी हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर देखिए हमास के वो डेलीगेशन, वाह 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 वाह, तबाही मचा रही है ये वीडियो सोशल मीडिया पर, मिडिल ईस्ट पर छाई हुई है ये वीडियो। भाई साहब, भैया सीरिया के प्रेसिडेंट ने हमास के सभी सुपर लीडरान से मुलाकात करी है, जिसका जलवा और भौकाल मिडिल ईस्ट में अब जारी है। मुसीबत ये है कि सीरिया और हमास अगर एक हो गए तो इसराइल को रास्ता हाथ नहीं आएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि इसराइल का एक खुद का ड्रोन हेब्रॉन में क्रैश हो गया, आनन फानन उसने दौड़ लगाई, दुड़की लगाई, कोई पार्ट किसी और के हत्थे न लग जाए जिससे हमारी जानकारी लीक हो जाए। इस वजह से इसराइल ने तुरंत अपने उस ड्रोन के मलबे को समेट लिया और बाद में खुद ही जानकारी दी कि हमारा ड्रोन खुद क्रैश हो गया था, इसको किसी ने मार के नहीं गिराया था और हमने सारे मलबे को इकट्ठा कर लिया है। वहीं सऊदी अरब को जब अमरीका ने झटके पे झटका दिया है, तो आपको बताऊं कि सऊदी अरब ने अब अमरीका से मुंह मोड़ लिया है। ये काम सऊदी अरब को बहुत पहले करना चाहिए था, ऐसे मुस्लिम बहुत सारे देश हैं
जो अमेरिका की कमी पूरी कर सकते हैं और हथियारों से सऊदी अरब को भर सकते हैं। अभी भी सऊदी अरब, वल्ला हबीबी दिमाग का दिमाग लगाना वरना डूब जाओगे कभी भी। वाह वल्ला हबीबी दिमाग लगाना अभी भी वरना डूब जाओगे हबीबी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मामला भाई साहब ये है कि ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने साउथ अफ्रीका से कहा है कि ब्रिक्स में जो एक अलग ग्रुप है इनका, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, इसमें सऊदी अरब ने खुद को शामिल करने के लिए कहा है। दोस्तों इसके बाद अगली वो खबर जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप रजाग्राफी देख रहे हैं, भरोसा आपका तोड़ नहीं सकता। वाह यार, हम तो हमारे अंदर शायर है भाई, इसे बाहर निकालो किसी दिन। बहरहाल स्क्रीन पर देखिए, एलनाज रकाबी, ईरान की वो नेशनल प्लेयर जिन्होंने बिना हिजाब के मैच खेल दिया था और बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। फिर खबर ये आई जो हमने आपको दिखाई कि ये गायब हो गई, घर वाले परेशान थे, संपर्क टूट गया था, बीच में दो दिन के लिए समझ में नहीं आया कि ये कहाँ है, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई, लेकिन इनका हाल चाल और बयान बदला हुआ नज़र आया। जब ख़तरा मंडराया और ईरान के लोगों को भी ये डर सताया कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ कोई ऊंच नीच सरकार कर दे, तो इनको रिसीव करने के लिए ईरान के एयरपोर्ट पर हज़ारों और लाखों की तादाद में महिलाएं और ईरान के लोग पहुंच गए। देखिए इसके बाद एलनाज रकाबी ने बयान दिया, वो क्यों दिया, कैसा दिया, क्या सच क्या झूठ, लेकिन रिपोर्ट लगा रहा हूँ, सच आपको बता रहा हूँ। मामला ये है, एलनाज रकाबी ने कहा कि भाई हिजाब हमने जानबूझकर नहीं उतारा था, टाइम बहुत कम था मेरे पास और तुरंत मुझे मैच के लिए उतरना था, तो वो हिजाब जो मैंने लगाया था प्लेग्राउंड में उतरने से पहले वो उतर गया, सरक गया, जिसको मैं दोबारा नहीं पहन पाई, ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया, अगर इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माजरत यानी माफ़ी चाहती हूँ। चलिए अब मैं आपको एलनाज रकाबी का वो बयान भी सुना देता हूँ, सुनिए। میخوام بگم همون طبق همون چیزی که توی استوری و فضای مجازی توضیح دادم هستش، کاملا سهمان اتفاق افتادیم داستان و میکنم استوری که گذاشتم کاملا توضیح داد سهمان رو برامون توضیح میدید که به چه شکل چه اتفاقی افتاد؟ خب با توجه به جریانی که جبی که توی فینال مسابقات حاکم هست و با توجه به فراخوانی غیر منتظری که برای من اتفاق افتاد، من درگیر لوازم فنی خودم شدم و با توجه به اینکه توی قرنطینه بودم و قرنطینه خانم ها بود، به صورت غیر منتظره به محل فراخوانی
اصلاح شدم و با مسابقه هم دادم. درگیری که با پوشیدن کفش و لبادن فرمان داشتم باعث شد که من غافل بشم از دوستو. इसके अलावा ईरान की सरकार ने वीपीएन बैन कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट बैन करने के बाद ईरान में लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन को गैर कानूनी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देश का अपने लोकेशन दिखाकर नेट इस्तेमाल कर रहे थे, तो वीपीएन बैन कर दिया है ईरान ने। दोस्तों इस पूरी मिडिल ईस्ट रिपोर्ट पर आपकी राय जो भी हो नीचे कमेंट कीजिएगा, हाथ उठा के दुआ दीजिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।